प्रणाम, मैं मोनालिसा सा और आज मैं बनाने जा रही हूँ कुंदरू इवी गॉड फ्राई। तो ये ले लिया है मैंने इवी गॉड, इसको मैंने कट कर लिया पहले से। और इवी गॉड ऐसा रहता है, ये बहुत ही आसान है बनाने में, इसको बस धो के काट लेना है। तो मैं अभी बता देती हूँ कैसे काटेंगे हम लोग। ये साइड का इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेंगे। पतला काटेंगे हम लोग इस तरह से। ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको बीच से हाफ करके ये देखिए इस तरह से और फिर कट कर लूँगी। बहुत ही आसान है ये देखिए। तो चलिए कुंदरू फ्राई, कुंदरू फ्राई हम लोग बनाने का शुरू करते हैं। ये कढ़ाई गर्म करने के लिए मैंने पहले से रख दिया था, तो अब इसमें हम रख लेंगे तेल। कोई सा भी तेल आप यूज कर सकते हैं। तेल को थोड़ा देर हम गर्म होने देंगे। अब इसमें मैं रख दूँगी दो लाल मिर्च, थोड़ा पकने देंगे। मिर्ची पक चुका है तो देखिए ये रख दूँगी मैं इसमें कुंदरू, जो कि हम लोग कुर्मी बोलते हैं। बहुत आसान है बनाने में। इसको मैं अभी हाई हीट पे ही बना रही हूँ। ये देखिए कुंदरू थोड़ा थोड़ा पक गया है, लाल होने लगा है। तो इसमें अब मैं इसी टाइम में रख दूंगी ये कटा हुआ प्याज, हल्दी, नमक मैं थोड़ी देर में रखूंगी जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। कुंदरू को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, इसको ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम करके और फ्राई करूँगी। इसको मैंने मीडियम आंच पे फ्राई किया है। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। कुंदरू की फ्राई का बहुत ही अलग टेस्ट रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसको हम लोग 2 से 3 मिनट और नमक डालने के बाद फ्राई कर लेंगे। ये देखिए तैयार हो चुका है इवी गॉर्ड फ्राई, जिसको कि हम लोग भुजिया भी कर सकते हैं। कुंदरू का भुजिया तैयार हो चुका है। तो गैस को मैं ऑफ कर दूंगी। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो देखने के लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।